भोजपुर में चरपोखरी प्रखंड के सियाड़ी पंचायत अंतर्गत चरपोखरी गांव के ग्रामीण काफी परेशान और उग्र नजर आए। उनसे बहुत क्षति है, आने जाने में बड़ा कठिनाई है। कितने बुजुर्ग लोग गिरे, बच्चा गिरा, पानी आता जाता है तो आने जाने में बड़ा कठिन होता है। विधायक से हम लोग कहे, संसद से कहे, जो कहे कि मैंने विधायक आ संसद से संशोधन करा के भेजिएगा विभाग में, तभी हम लोग भेजे, कुछ नहीं हुआ। इससे बहुत कठिनाई है आने जाने में। कब से पुल टूटा? पुल तो टूटा है मैंने साल भर, एक साल हो गया। स्थानीय जनप्रतिनिधि आप लोग ये बताएं जी, उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि इन्हें हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग ना करेंगे। उन लोगों का कहना है कि हमारे गांव से चरपोखरी बाजार महज 100 मीटर की दूरी पर है, परंतु हम लोगों को लगभग 3 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। बूढ़ बुजुर्ग के लिए तो मैंने कहना ही नहीं है, वादा किए थे बेचारे सांसद महोदय कि हम जीतेंगे तो पुल आपका बनवा देंगे, लेकिन काहे के लिए पुल बनने न जाए, फिर बरसात आ गया तब बड़ी कठिनाई ना होगी जाने आने में। अब यानी कि सांसद महोदय बोलने के बाद भी उनका कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं है तो बनवाने के बाद। चलिए, विगत 2 वर्षों से टूटी हुई पुलिया जिसको बनाने के लिए शायद ही कोई ऐसा जनप्रतिनिधि होगा, मुखिया हो, विधायक हो या सांसद हो, जिससे हम सभी ग्रामीण अपना फरियाद नहीं किए होंगे, लेकिन हमारी फरियाद कोई नहीं सुन पा रहा है। बहुत हमने के दुख होता, मने आवे जाए खाती बच्चा पढ़े खाती यहाँ दुख होता, गिर जाता हूँ सब पुल में। पुल से आने जाना बाजार है तो पुल मन खाती है, दूसरा रास्ता कौन बढ़ते बाजार में गए पुल है, गांव से बाहर निकलने का आसान रास्ता है। हाँ यही आसान बढ़ते हमने के जाए खाती है, दूसरा रास्ते में नहीं हमने के जाए खाती, यही रास्ते में बच्चा तक मैंने बूढ़ तक यही पर आवे जाए खाती बात है। हमारे कितने छोटे छोटे बच्चे इस पुलिया के रास्ते विद्यालय जाते हैं, क्रम में गिर पड़ते हैं, बुजुर्ग गिर पड़ते हैं, क्योंकि यही एक नजदीक का रास्ता है जिससे हम लोग चरपोखरी मेन रोड पर पहुंच सके। उन्होंने बताया था कि ठीक है अब की बार हम जीतेंगे तो मेरा पहला प्रस्ताव यही रहेगा, ये पुल और ये हमारा हम लोग का जो रेलवे लाइन जो है इसमें हम लोग का 30 एकड़ जमीन गया है स्टेशन का, तो पहले से स्टेशन था लेकिन उन्होंने बोला कि जीतने के बाद ये पुल और ये स्टेशन दोनों मतलब कि हम बनवाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ काम यहाँ पे। और मेरे बच्चे भी जाते हैं पढ़ने के लिए, गाँव के बहुत सारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, और 2 बच्चे तो एक ही दिन गिर गए थे जिनका हाथ पैर दोनों डैमेज हो गया था यही पुल से। उसके बाद फिर हम लोग उसको ले गए, फिर बहुत लोगों से बताया, मुखिया से ये बताया हम लोग, तो बोले कि ठीक है अब हम क्या कर सकते हैं, आप लोग देखिए इधर बताइए सब लोगों को, तो बताया गया लेकिन कोई इस पर अभी तक पहल हुआ ही नहीं अभी तक। कोई जनप्रतिनिधि या कोई प्रशासनिक पद का ध्यान नहीं, कोई नहीं। कई बार हम लोगों ने अपनी समस्या को जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को सुनाया, लेकिन कोई भी हम लोगों की आवाज नहीं सुनता है। वहां के ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के वक्त सांसद आरके सिंह के द्वारा यह वादा किया गया था कि चुनाव जीतते ही मेरा सर्वप्रथम कार्य चरपोखरी गाँव से चरपोखरी बाजार को जोड़ने वाला या पुलिया बनाना होगा, मगर उनका वादा वादा ही रहा। चुनाव जीतने के बाद उनके दर्शन तक नहीं हुए, पुल क्या बनेगा? हम सब मिलके जब जाते हैं रनिंग करने के लिए बहुत कठिनाइयां होती है, 2-2 बार लड़का गिर गया, 3 बजे भोर में अंधेरा रहता है, और यहीं एक ग्राउंड तक रास्ता जो जाता है यहीं एक रास्ता है, और हम लोग का सबसे ज़्यादा कठिनाई उसी समय होती है, 3 बजे सुबह में हम लोग जाते हैं रनिंग करने के लिए, सारे लड़का युवा वर्ग के लोग हैं, और मार्केट में भी जाने के लिए यही एक रास्ता है। और संसद महोदय से भी बहुत बार हम लोग बोल चुके हैं, विधायक जी से भी बोल चुके हैं, पुलिया निगम में भी दिए हैं आवेदन, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, सारा बच्चा सब स्कूल जाने का यही रास्ता है, छोटे छोटे बच्चे हैं गिर जाते हैं, दुख होती है। हमारे गाँव इतना प्रखंड मुख्यालय है और हमारे प्रखंड के अंदर में 96-97 गाँव आता है, ये प्रखंड मुख्यालय है, प्रखंड मुख्यालय का गाँव का ये स्थिति है, तो आगे गांव का क्या होगा आप समझ सकते हैं। मीडिया बंधु से आग्रह है कि मेरा आवाज़ पहुंचाया जाए और मुख्यमंत्री और पीएम मोदी जी तक मेरा बात पहुंचाया जाए और हम लोग को इस समस्या से निदान दिलाइए। क्या आग्रह करना चाहेंगे आपको तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी जनप्रतिनिधि देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमारे गांव के बुजुर्ग लोग जो हैं वो काफ़ी अपने स्तर से बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन हमें नहीं संभव लग रहा है, बहुत लोगों ने प्रयास किया, भैया हैं सब लोग जिसका जहाँ जहाँ तक है वो लोग अपना किए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बन सकता है,
लेकिन आप लोगों का मदद रहेगा तो जरूर बनेगा। हम चाहते हैं कि मेरा बात पीएम मोदी जी तक, मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया जाए कि हम लोग को इस मतलब पुल जल्दी से जल्दी बन जाए और इस से हम लोग का निजात दिलाए इस समस्या से। आखिर ऐसा हम लोगों के साथ झूठा वादा करने की क्या जरूरत थी? हम लोग इस उम्मीद में बैठे हैं कि शायद किसी जनप्रतिनिधि की आंख खुलेगी और हम लोगों को इस विकट परिस्थिति में से बचाया जाएगा, मगर कोई भी जनप्रतिनिधि हम सबकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम नहीं कर रहा है और ना ही इस टूटे हुए पुल को बनाने का कार्य कर रहा है। बारिश की वजह से ध्वस्त हो गया है। कितना बार भी प्रशासन से, मीडिया से, MLA MP सबसे गुहार लगाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी प्रयास नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग को बहुत तकलीफ है। ये बारिश का बाजार आने वाला है, फिर हम लोग 2 माइल का चक्कर लगा करके बाजार जाते हैं। इसको लेकर आप लोगों ने स्थानीय जनप्रतिनिधि से शिकायत की? जरूर। क्या कहना है उनका? उनका कहना है कि ये मतलब प्रोसेस आगे बढ़ा था तो इसका टेंडर वगैरह भी कुछ निकला हुआ था। 1 साल पहले कुछ टेंडर निकला था, कुछ 2 करोड़ 8 हज़ार रुपये का, लेकिन उसके बाद से हमारे सांसद महोदय के द्वारा कुछ आगे बात पर नहीं बढ़ाई गई। इसके लेकर आप लोगों ने इसकी शिकायत की? शिकायत मतलब बार बार वहाँ जब पुल निगम में बात किया जा रहा है तो बोले कि एटलीस्ट थोड़ा सांसद महोदय हैं तो वो कुछ प्रयास करेंगे तो हो सकता है। हम सभी ग्रामीण सरकार से आग्रह करते हैं कि हमारे इस फरियाद को गंभीरता से लिया जाए ताकि एक बहुत बड़ी दुर्घटना से महिलाएं, बच्चे और बूढ़ों को बचाया जा सके।